सत्तरा बुधवार, उस दिन हमारे इस्कॉन के वर्तमान आचार्य है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी, उसका व्यास पूजा भी होगा, वृंदावन में भव्य रूप में हो रहा है। हम उसी उपलक्ष्य में वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उस टीम से, उन भक्तों से पुराना प्रेम है। और हमारे भावनगर की प्रगति का एक कारण भी यही है कि सबसे पहले हम भी यहाँ इस्कॉन चालू नहीं किए थे। इस्कॉन में प्रोग्राम देने हम लोग बम्बई से कभी कभी आते थे, 2006 की बात है। कितना साल हो गया, 2006, मतलब आप समझिए कितना। मैंने 8 में 7 में कथा किया, उसके पहले कथा किया, उसके पहले एक साल हम सेंटर लिए, यहाँ सेंटर भी नहीं था उस समय। इष्टदेव प्रभु करके है, वो यहाँ पे पदयात्रा घूमते हुए भावनगर में आई थी, और हमारे करमशी भाई, रमेश भाई, जो बहुत लोग जुड़े हुए थे, तो बहुत 2 दिन यहाँ रहे वो लोग, सेवा हुई और वो लोग कीर्तन किए पूरा यहाँ पे। और हमें भी मैसेज था, क्योंकि हम बॉम्बे से उन लोगों के साथ, कि आप भी आइए इधर। और मैं जब सेंटर चालू किया उधर, क्या एरिया, बोरतलाव, और उस समय 2010 होगा या 9, 10 या 11, मुझे ठीक से साल याद नहीं, फिर से रथ पदयात्रा यहाँ आई दोबारा। 4-5 साल घूमने के बाद फिर नंबर आता है गुजरात भावनगर का। और उस समय तो हमारा सेंटर था और हम थे, तो तब इष्ट देव प्रभु नहीं रहे थे मेन इंचार्ज, फिर वो आचार्य थे, आचार्य चरण, तो उनका, वो उनके भी ब्रह्मचारी है, वो भी उनका मित्र दादा, और आए उसी उपलक्ष में। महाराज अहमदाबाद में थे, लोकनाथ महाराज, तो मैं फ़ोन किया कि महाराज पदयात्रा भी यहाँ है, और उससे हमारी भीष्म स्तुति कथा भी चल रही थी उधर, कहाँ पे, हाँ उधर। तो महाराज मान गए, खुश हो गए कि चलो। मैं बोला पदयात्रा होती तो महाराज प्रसन्न रहते। और लास्ट दिन था भीष्म स्तुति, महाराज आए और बोरतलाव में सुबह का कार्यक्रम दिया, शाम को उधर मेन पंडाल में दिया महाराज 1-1 घंटा। उस समय हम लोग बोरतलाव छोटा सा जो थे, केंद्र था, वहाँ भक्त लोग सेवा में थे, तो महाराज कृपालु है, हमें दृष्टि दर्शाने वाले हैं। हमारे यहाँ तो इस्कॉन के तुकाराम वही है, कीर्तन बस उसका धन है। और महाराज अपने पैरों से भी 1 लाख से ऊपर ज़्यादा किलोमीटर चल चुके हैं प्रभुपाद की सेवा। महाराज के कदम इतने पूरे भारत भ्रमण, आज भी उनके शिष्य चला रहे हैं। तो पदयात्रा तो इस्कॉन में उन्हीं का दिया हुआ धन है, और कीर्तन तो आप लोग जानते ही हैं। तो महाराज के चरण पड़े, अहमदाबाद से कई और भी भक्त आए थे, तो महाराज ने एक डायलॉग उस समय मारा था। हम लोग उस समय कुछ भक्त प्रसाद बना रहे थे, वहाँ से जुड़े हुए हिम्मत भाई, वो सब, तो मैं परिचय करा रहा था महाराज ये, महाराज ऐसे ऐसे करते हैं, हरी हरी खुश है ऐसे, महाराज का एक अपना अंदाज है, तो कर रहे थे। फिर मुझे बोलते हैं ऐसे देख के, कुंडल कृष्ण गौड़ीय बनाओ इन लोगों को, अभी भी गुजराती है ये लोग। तो मैं समझ गया तुरंत, क्योंकि कुछ भक्तों का तिलक नहीं था और जो कुछ थे वो धोती कुर्ता में भी नहीं थे। तो महाराज बोला गौड़िया। तो मुझे, हम लोग तो कोटेशन में कभी भी, जैसे गुंडीचा मंदिर में वो कहते हैं ना स्वरूप धाम के, तुम्हार गौड़ी, ये गौड़िया ठीक काम नहीं कर रहा, मतलब धुलाई में गड़बड़ हो रही थी। तो महाराज लोग इशारा काफ़ी होता है। महाराज ने, मैंने महाराज को बोला, महाराज आप आ गए ना, आप बन जाएंगे, आप कीर्तन नहीं हो रहा था, आपका चरण नहीं पड़ा, इसलिए तो आपको बुलाया इधर। तो उन्हीं का आशीर्, महाराज ने उसी समय प्रसन्नता से, ऐसे प्रभुपाद के ये सब विग्रह है, प्रभुपाद की कृपा जिसने लूटी है, सेवा की है, और सच्चे हृदय वाले कीर्तन, ऐसे साधु के चरण पड़ना और उनका चाह, उनका इच्छा भगवान भी पूरा करते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लोगों को पता नहीं होती और दिखता भी नहीं है, लेकिन जिसकी कृपा से हो रहा है वो समझने वाले समझते, ऐसा होता है। अज्ञान जनता, मूर्ख जनता तो ये सब देखती नहीं, जानती नहीं। लेकिन सच्चे भक्त को यही नींव जाननी चाहिए, क्या है, कौन, कैसे, क्या था। तो महाराज का बड़ा अमित दृष्टि रहा, और महाराज ने खुला निमंत्रण दिया, खासकर मुझे और हम सब राधा गोविंद महाराज के जितने भी भक्त शिष्य कथा करते हैं उसको, कि मेरे जितने सेंटर है, महाराज का महाराष्ट्र पूरा उनका है,
दिल्ली में भी है लेकिन महाराष्ट्र में तो 90% महाराज के आश्रित लोग चलाते हैं। कहीं भी जाओ, नागपुर जाओ, चाहे अमरावती जाओ, चाहे पंडरपुर जाओ, कहीं भी, मतलब पुणे सब जगह भरे हैं उनके शिष्य, चलाते सेवा। महाराज के गांव में खुद आरावड़े में बड़ा सेंटर हुआ। महाराज बोले भागवत बहुत जरूरी है और आप लोगों के लिए खुला आमंत्रण है, तो हम लोग को लोकनाथ महाराज के मंदिर अपना घर लगता है। वहाँ जाने के लिए ना कोई परमिशन, ना कोई एटिकेट फेटिकेट, जो भी आप लोग बोलते, मतलब कोई रोक टोक, दिल होता है घर जैसा। वो लोग वो चाहते हैं भागवत को, महाराज का कृपा है कि, और महाराज को खुद हमने देखा है हरिद्वार में जब कथा होती थी, गुरु महाराज कथा करते थे राधा गोविंद महाराज, तो महाराज कहीं भी वो पहुँचते थे हरिद्वार, लास्ट 2-3 दिन तो आना ही है, और जानते आकर एकदम पीछे बैठते थे नीचे। पहले तो ढूंढना पड़ता उनके शिष्य को, चुप चुप कोई एंट्री फेंट्री मारना नहीं, मतलब शांति से ढूंढना पड़ता था कि आए, बाद में पता चलता था एंड तक कि महाराज आया है, नहीं तो वो बस। और एक बार क्या हुआ, क्लास खत्म हुआ है, राधा गोविंद महाराज को पता चला, अनाउंस किया महाराज आ गया, महाराज आए ही नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है, कंटिन्यू। महाराज ने कहा कंटिन्यू, चल दो रखो कथा चालू रखो, तो फिर आदेश तक कथा चालू रही, फिर महाराज मिले ही नहीं, कथा खत्म, महाराज गायब। फिर शाम को बैठे थे प्रसाद लेकर महाराज के साथ हम लोग, तो लोकनाथ महाराज आए, तो राधा गोविंद महाराज खड़े होकर प्रणाम किया, फिर पूछा महाराज जी कहाँ थे, मिले ही नहीं आप तो, मतलब कथा के बाद ढूंढेंगे, पहला कंटिन्यू कंटिन्यू बोला और फिर गायब। कथा पूरी करके महाराज का स्वागत करना, मिले ही नहीं, चले गए कहीं पता नहीं। तो महाराज ने एक शब्द दिया, राधा गोविंद महाराज पूछे कहाँ थे, क्या कर रहे थे महाराज जी इतना, तो महाराज जी ने कहा आपने जो कथा बोला ना वो मैंने सुना, मैं उसका मनन कर रहा था। क्या बोला? मैं उसका गंगा तट पर बैठा हुआ उस कथा का मनन कर रहा था, ऐसे महाराज का थोड़ा आप स्टाइल जानते होंगे, मैं उसका थोड़ा मनन कर, उसकी अगल अंदाज मनन कर रहा था। तो महाराज ने बोला, राधा गोविंद महाराज बोला आप सही में काम किए, क्योंकि लोग कथा सुनते बोलते मनन नहीं करते, इसी के कारण विमान नहीं आता। तो महाराज पॉइंट पकड़ते कि नहीं आपने सही काम किया, क्योंकि भागवत में लिखा ना है, वो विष्णु दूत आके बोला गोकर्ण को कि एक के लिए विमान क्यों भेजा, सब कथा सुना, और मैं कथा खुद बोला गोकर्ण, मेरे लिए भी सीट नहीं। और धुंधुकारी भूत के लिए सीट आया विवेकुंड, तब वो विष्णु दूत बोले कि श्रवणम कुरु मननम ना, इन लोगों ने मनन नहीं किया, श्रवण ही किया, इकड़ून तिकड़ून गेला। मराठी मरे की बोल से मराठी मरे सांगता, इकड़ून तिकड़ून गेला, तो इधर से उधर मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। तो ये विष्णु दूत बोला कि ये लोग के लिए विमान नहीं आएगा जो मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता। तो भागवत में ये शब्द है, तो प्रमादेन हतम श्रुतम, जो प्रमाद पूर्वक सुनता है उसका सुना हुआ नष्ट हो जाता। इसलिए हमको सावधानी से, आदर से, ध्यान से, ये सब श्रवण में सब कुछ गुण, कुछ क्या कहते हैं योग्यता है, होनी चाहिए। ओके, वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन महाराज का मैं स्मरण कर रहा हूँ कि मननम कुरु, मैं मनन कर रहा था। तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए, दोनों मिले, तो हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है। इस्कॉन का जब लैंड लिया था वृंदावन में, जो आज इस्कॉन धूम मचा रहा है, प्रभुपाद ने वो लैंड लिया जब अभी जो समाधि है ना प्रभु, वो नहीं था प्रभुपाद, वो खाली कृष्ण बलराम जो है ना, उतना ही लैंड मिला था उस समय, और पीछे का थोड़ा कॉर्नर का जगह जब प्रभुपाद थे तो मिला था। उस समय प्रभुपाद रहते थे राधा दामोदर मंदिर में जो है, और इस समय उस समय लोकनाथ महाराज की टीम जुड़ी हुई थी, लोकनाथ महाराज उस समय बहुत यंग थे, और प्रभुपाद ने प्रभुपाद के साथ रहते थे उधर राधा दामोदर मंदिर। तो महाराज प्रभुपाद रोज क्लास देते थे राधा दामोदर मंदिर में, अपने कुछ फॉरेनर शिष्य थे, महाराज भी उसमें थे, ये सब महाराज तो थे ही नहीं, लोकनाथ महाराज थे उस समय प्रभुपाद के साथ। प्रभुपाद को ये गोवर्धन परिक्रमा करने का, ये उसमें भी महाराज का पूरा हाथ है, लोकनाथ महाराज का सेवा करने में, पदयात्रा भी उन्हीं की कृपा, प्रभुपाद की जो इच्छा थी पूरा करने का प्रयास किया महाराज ने। तो प्रभुपाद ने बोला कि जैसे क्लास खत्म, मतलब सुबह का क्लास होता था 8 से 9, खत्म हो कीर्तन करते हुए इस्कॉन लैंड जहाँ लिया है वहाँ जाना है, वहीं कीर्तन करना है। तो आज तो इस्कॉन गौशाला पीछे हो गया बड़ा, आप लोग जाते हो वृंदावन, इस्कॉन कृष्ण बलराम देखा ही है, लेकिन
इतना प्रगति हो रहा है, इतना बुक हजार हजार दो दो हजार बुक जाता है आज भी वहाँ पे, लेकिन मंदिर भी नहीं था, खाली लैंड था। उस समय महाराज लोगों ने जाके वहाँ पे कीर्तन किया है, उसी का ये प्रभाव है। तो सब ये बातें कुछ हमने देखी है, कुछ सुनी है, लेकिन भागवत के प्रति प्रेम, कीर्तन के प्रति प्रेम, और रही बात मनन करने की, मैं हरिद्वार में ये जो बात बता रहा हूँ ये 2002 या 3 की है लोकनाथ महाराज की, जो मैं जो हरिद्वार वाली मनन वाली बात, मैं तो यहाँ बाद में आया 5-6 में भावनगर, हम लोग तो पहले हरिद्वार जाते थे, तब से मैं महाराज को देख रहा हूँ, वो कथा सुनते हुए मनन करे ऐसा नहीं, बोलते हुए भी मनन, आसाधन करते हुए भी बोलते। कभी कभी महाराज को देखना पड़ता कि 5 मिनट में दूसरा शब्द आए कि नहीं, एकदम आनंद लेते हुए मस्ती में आस्वादन करते हुए, कोई भी भजन गाने लग जाए, कोई भी श्लोक रट गाने लग जाए, कोई भी लीला कथा में, तो वो उसमें डूबे रहते हैं, आस्वादन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, फिर बोलना तो उसका बाहरी बात हो जाता है, मतलब बहुत। तो ये एक बहुत शुद्ध भक्त का ये गुण है, जो हम जैसे नव सीखिए आधे अधूरे भक्तों को समझ में, हम लोग को तो फटाफट बोलो फटाफट जाए इधर से उधर, टिकाना तो होता नहीं, आस्वादन तो कुछ होता नहीं, हमें तो बोलना सुनना निकलना होता है ना, इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते इन आचार्यों की बातों को। लेकिन मैं आशा रखता हूँ आप लोग धीरे धीरे सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हमें भी ये करना है, मनन करना है, आस्वादन करना है गीता का, भागवत का, श्लोकों का, लीला का, और फिर कीर्तन करना है। वो कीर्तन में दम होता है, वो शब्दों में पावर होता है। अभी हमारा क्या है, कॉपी पेस्ट चल रहा है बोला सुना कह दिया, कह दिया, कुछ आस्वादन नहीं, कुछ अनुभव नहीं, लेकिन इन लोगों के पास वो होता है, आचार्यों के पास वो होता है। तो इसमें एक शब्द है ना गीता में, आचार्य उपसंगम्य। आचार्य किसे कहते हैं, जो आचरण करके सिखाए, जो खुद धर्म का शास्त्रों का चिंतन मनन करे, आचरण करे। अन्य तो शिक्षयेत आचार्य निगद्यते, धर्मशास्त्र संप्रोक्तम, धर्मशास्त्र का ही उच्चारण करे, स्वयं आचरित सदा उसका आचरण करे, अन्य तो शिक्षय और दूसरों को सिखाए, आचार्य निगद्य, उसको आचार्य कहते। तो ऐसे हमारे इस्कॉन के आचार्य परम पूज्य होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज का क्या है, 17 तारीख बुधवार को आषाढ़ी एकादशी को उसका प्राकट्य तिथि व्यास पूजा है। तो वहाँ की टीम ने दास को थोड़ा प्रेम है तो बुलाए, उस तो मुझे एक बहाना भी चाहिए था वृंदावन जाने का, नहीं तो मैं यहीं का, लेकिन उन लोगों का भाव था थोड़ा, चलो महाराज का दर्शन प्रवचन मिलेगा, वृंदावन वास मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा आवे नेक्स्ट संडे, मे बी नेक्स्ट संडे है ना, ओके नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, व्यास पूर्णिमा, और सनातन गोस्वामी का, और वृंदावन में गोवर्धन की लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। तो कई दिन हो गए थे, चलो मैं बोला एकादशी और पूर्णिमा उधर ही हो जाए, और चतुर्मास चालू होता है, कई लोग एकादशी से करते हैं लेकिन पूर्णिमा से तो हो ही जाता है चतुर्मास। तो चतुर्मास फिर सावन महीना आ जाएगा, हाँ सावन जल बरसे अंबर से, तो आनंद है, भोलेनाथ का भी श्रृंगार होता रहेगा अभिषेक। तो फिर उत्सव ही उत्सव, जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, राधाष्टमी, तो चतुर्मास आ रहा है, मौसम भी अच्छा होगा, भजन का महीना है। तो आप सबको ये मैं मतलब थोड़ा बिगिनिंग में हिंट दे रहा हूँ, एकादशी, पूनम और चतुर्मास, आप लोग थोड़ा तैयार रहो, भजन के मूड में रहो, और समय साधना में बड़ा साथ देता है, सही समय में थोड़ा काम करो तो भी ज़्यादा सफलता मिलता है। तो ये चतुर्मास भजन करने के लिए, भक्तिवर्धन के लिए बहुत सुंदर समय है तपस्या के लिए। तो आप एकादशी रहिए, और पूर्णिमा आ रही है उसको भी अपनी अपनी जो श्रद्धा जहाँ गुरु सेवा भाव हो करिए। मूल बात है कि गुरु ने जो बताया शास्त्रों से उस अनुसार साधना करिए, उस अनुसार भजन करिए, ये बहुत बड़ी बात होती है गुरु पूर्णिमा के दिन याद करने। हम सबकी माँ है जिसने जन्म दिया, दूध पिलाया, बड़ा किया, लेकिन इसी संसार में घूमेंगे कर्मानुसार, लेकिन जो जन्म कर्म को काट कर भगवत धाम ले जाए ऐसे गुरु को पूर्ण माँ कहते हैं। गुरु पूर्णिमा मतलब क्या है, कंप्लीट मदर, स्पिरिचुअल मास्टर इज ए कंप्लीट मदर, जो हमें बुद्धि देता है, दिव्य ज्ञान देता है, जिससे हम आत्मा का कल्याण करते जन्म मृत्यु से। तो ये सब माँ माँ है, लेकिन गुरु क्या है, पूर्ण माँ है। तो गुरु
पूर्णिमा कंप्लीट मदर है जो हमें भक्ति राज्य में हमारा प्रवेश कराते हैं। और ऐसे गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, ये बात शाम को बताएंगे। चलो, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, भगवान की कृपा से दोनों परस्परस है, एक सिक्के की दो बाजू है। और हमें दो वही सिक्का, एक बाजू एक न हो तो सिक्का खोटा माना जाता। हमारे जीवन में दोनों की जरूरत है, तभी हम सच्चे सिक्के बन सकते हैं। फिर वो सिक्का उछलता है, मतलब चलता है, सिक्के चलते हैं उसके। तो थैंक यू, मैंने 10 मिनट जो था इसलिए ये थोड़ा शेयर किया। तो एकादशी महाराज जी का व्यास पूजा होगा, यहाँ भी कुछ करेंगे, करेंगे माता जी आप लोग कुछ करने वाले हैं छोटा बहुत? ओके, करेंगे। और बाकी वृंदावन से आप लोग लाइव भी होता हो गया ही होगा, महाराज का जपाटोल सुबह होता ही है, उसमें भी होगा, तो आप लोग वहाँ का यहाँ